नमस्कार, मैं हूं सुभाष शेखर। इस वक्त मेरे साथ सोना न्यूज के संपादक विनोद बैनर्जी हैं। विनोद जी, हम लोग चुनावी यात्रा पे निकले हैं, बताएंगे अपना अनुभव बताइए। चुनावी यात्रा है और बहुत जल्द चुनाव होने वाला है, 2-3 दिन बचे हुए हैं और जनता क्या चाह रही है, इस बार बदलाव चाह रही है तो कैसा बदलाव चाह रही है, कुछ लोगों से पूछेंगे और देखेंगे। हम लोग अभी जिस रास्ते से जा रहे हैं उसके बारे में बताइए, कौन सा ये जगह है, कैसा है। ये हमारा राहे से होते हुए हम लोग जुन्हा जा रहे हैं, जहां आज हेमंत सोरेन जेएमएम के जो हैं हेमंत सोरेन जी, उनका जनसभा है और एक जोन्हा में ही है आसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी का जनसभा। तो वो दोनों जनसभा को हम लोग देखने जा रहे हैं और ये हम लोग जंगल होते हुए जा रहे हैं। अंबाझरिया होता है राहे से अंबाझरिया, जो कि रोड ये पूरा जंगल ही है और आपको देख ही रहे हैं, जंगल होते हुए हम लोग जा रहे हैं, पूरा पहाड़ चढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है ना कि रोड तो अच्छा है और रोड भी बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे टूट फूट गए हैं रोड और दिख रहा है, जो कि अभी यहाँ इस रोड से बहुत सारे प्रतिनिधि भी गुजरते हैं। और कभी पहले तो ये रोड ही नहीं था, ये रोड पहले था ही नहीं, 25-20 साल पहले आज़ादी के बाद बना है ये रोड और चल रहा है, लेकिन रिपेयर तक नहीं हुआ है अभी कुछ सालों से। यानी कि आज़ादी के बाद, खासकर झारखंड बनने के बाद, इस इलाके का काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है और यहाँ के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो घने जंगल में ग्रामीण रहते हैं, खासकर आदिवासी लोग, वो शहर से कनेक्ट हो गए हैं। शहर से सही बात है, ये शहर से कनेक्ट हो गए हैं। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर रोड नहीं रहने के वजह से लोग मरीजों को ले जाया करते थे खटिया में ढोकर शहर की ओर, रोड में गाड़ी नहीं आता था। अभी ऐसा हो चुका है कि रोड में गाड़ी, घर तक गाड़ी जाता है। आप यहाँ के लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं और जो सड़क की खासकर जो समस्या होती थी वो दूर हो गया है, लेकिन अब समय बदल गया है, डिजिटल युग में सब कोई है, सबके पास स्मार्टफोन भी है, तो अब लोगों की उम्मीदें किस तरह की रह गई हैं? उम्मीदें तो हमेशा बढ़ते ही रहता है उम्मीद। आज रोड बना है तो रोड का रिपेयर भी होता रहे, ये पब्लिक चाहती है। और आपको बता दूं, चुनावी माहौल है, लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोड बनाएंगे, पुलिया बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे होता रहता है और चुनावी माहौल में बहुत सारे संभावना दिया जाता है लोगों को। अब बिल्कुल सड़क बन गया है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, लेकिन जो सरकारी दूसरी योजनाएं हैं, जो केंद्र की होती हैं या फिर राज्य सरकार की होती हैं, उसका फ़ायदा लोगों को कितना मिलता है? यहाँ पर सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, खासकर मैं बता दूं कि मैं खुद सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा जानकारी रखता हूँ कि पहले हम लोग आते थे बुंडू से राहे, और अगर 3 बज जाता था तो 3 बजे के बाद गाड़ी नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हम लोग रोड पे आते हैं। और जो समस्याएं हैं यहाँ पर, केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है, बहुत ऐसे गांव हैं जो केंद्र सरकार की योजनाएं वहाँ पर विफल हो चुकी है। जैसे अभी जो केंद्र सरकार का जो खास योजना था स्वच्छता अभियान के तहत, हर घर शौचालय बनाने का, उज्ज्वला योजना, वो सब का लाभ लोगों को कितना मिल पाया यहाँ के लोगों को? बिल्कुल, सरकार ने तो योजना निकाल दी है और हर घर शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, कराया गया। तो शौचालय निर्माण कैसा कराया गया ये किसी से छिपा नहीं है, और
यहाँ क्या है कि शौचालय से ज़्यादा गड्ढे कर दिए, गड्ढे कर कर शौचालय यूज़ नहीं हो रहा है। बहुत जगह आप देखेंगे गांव में कि शौचालय में ही बकरी बांध रहे हैं लोग, गाय बांध रहे हैं, गाय तो नहीं लेकिन बकरी और छोटे छोटे जानवर जो हैं वो शौचालय में रहते हैं। शौचालय यूज़ नहीं हो पा रहा है, कारण भी है, इसलिए यूज़ नहीं हो पा रहा है कि गेट सही नहीं दिया जाता है, उसका शौचालय का ढंग से निर्माण नहीं कराया जाता है। और आयुष्मान की जहाँ तक बात करें तो आयुष्मान उज्ज्वला योजना, हाँ योजना उज्ज्वला का तो यूज गैस सिलेंडर वाला है। देखिए जंगल के लोग जो हैं पहले लकड़ी ही जलाकर और लकड़ी से जलाकर खाना वाना पकाते थे, आसानी से उपलब्ध हो जाता था, आसानी से उपलब्ध हो जाता था। और आपको बता दें कि ये आसानी से उपलब्ध होने की वजह से बहुत ही अच्छा ये लोग लकड़ी से खाना बनाते थे। और अब क्या है कि उज्ज्वला योजना के तहत बहुत लोगों को लाभ मिल चुका है, गैस तो भरा रहे गैस नहीं, जैसे कि जैसे गैस का जो एजेंसी है शहर में है तो क्या इन जंगलों के बीच में अगर वो रिफिल चेंज कराना चाहें तो डिलीवरी हो जाता है? रिफिल डिलीवरी का जहाँ तक बात होती है तो हमको अभी तक तो कोई कंप्लेन भी नहीं आया और ना कुछ जानकारी मिली है कि गैस सिलेंडर घर तक पहुँचता है कि नहीं खत्म होने के बाद। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ग्रामीण एक बार जो फ्री में जो गैस सरकार के द्वारा दिया गया उसके बाद दोबारा 80% लोग नहीं भरा पाते हैं। यानी कि पीएम मोदी का जो सपना था, भाषण दिए थे कि हम यहाँ के माँ बहन और बेटियों का जो चूल्हे के धुएं से आंसू निकलता है उसको दूर करना चाहते हैं, वो अभी भी उनका अधूरा रह गया है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल वो अधूरा रह चुका है। और आपको मैं बता दूं कि उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस कनेक्शन सब जगह दिया जा रहा है, शिक्षा बच्चों को शिक्षा जो दिया जाता है स्कूल में कि भाई लकड़ी का कोयला ना जलाएं, लकड़ी ना जलाएं और गैस से खाना पकाएं, लेकिन सिल्ली विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल आपको देखने को मिलेंगे कि कहीं भी स्कूल जैसा जगह पर ही गैस चूल्हा नहीं यूज करके मिड डे मील जहाँ बनता है, हाँ मिड डे मील जहाँ बनता है वहाँ पर अभी भी चूल्हे जल रहे हैं, लकड़ी से जलाते हैं और लकड़ी से भरे हुए रहते हैं स्कूल। तो शिक्षा ही जब वहाँ से मिल रहा है कि लकड़ी ही जलाना है तो बच्चे घर में क्यों कहेंगे कि कैसे कहेंगे घर में। अच्छा, अब आयुष्मान भारत योजना जो लोगों का स्वास्थ्य लाभ का मिलता है, मुफ्त इलाज होता है, उसका लोगों को किस तरह का लाभ मिल पा रहा है? देखिए पहला तो योजना का लाभ लाल कार्ड पीला कार्ड धारियों को मिलता है आयुष्मान के तहत। और लाल कार्ड पीला कार्ड की समस्या अभी भी सिल्ली विधानसभा में बरकरार है, मतलब बहुत सारे ऐसे 60-70 साल जो बुजुर्ग हैं और जिसको गरीबी रेखा में है उन्हें अभी तक लाल कार्ड पीला कार्ड की जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और जब तक लाल कार्ड पीला कार्ड नहीं बन जाए तब तक तो आयुष्मान का लाभ नहीं मिलेगा। तो लोगों का अभी तक अगर जरूरत है लाल कार्ड पीला कार्ड, अगर वो इस कार्ड के हकदार हैं तो ये हक अभी तक उनको मिला क्यों नहीं? देखिए पिछले मुकाबले जो बात हुई थी 2014 की बात, 2014 में लोगों से यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं वोट मांगने का समय में, जब चुनाव के समय था, चुनाव के समय में लोग वोट मांगे थे तो सभी को कहा गया था कि हम आपका राशन कार्ड ये पीला कार्ड ये सब बना देंगे। तो वो अभी भी मुझे नहीं लगता है कि हुआ है, और बहुत ही कम हुआ है, अगर हुआ भी है तो बहुत कम हुआ है। 5 साल बहुत होता है किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए कि अपने विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की छोटी सी समस्या को पूरी कर दी जाए। तो आप मानते हैं कि अगर जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान देते तो लोगों को सब योजना का लाभ मिल पाता। यहाँ पर क्या है कि अब क्या हो गया है कि मुखिया काम कर रहा है, तो मुखिया अगर कुछ काम कर रहा है, जल मीनार का काम कर रहा है या फिर किसी गरीब का कुछ काम कर रहा है, या फिर मुखिया से अगर बोलने जाता है कि भाई ये करा दो
मुझे लाल कट बनवा दो, ये कर दो कर दो, तो बोलता है कि विधायक से आप बात करो। विधायक से बात करते हैं तो ये हम लोग छोटा मोटा काम ये सब कम नहीं करते हैं, हम लोग बड़ा काम करते हैं, रोड पुलिया पुली बोलिए तो हम करते हैं। तो इस तरह की बातें भी हमको सुनने में आई है यहाँ पर सिडनी विधानसभा क्षेत्र में। तो मैं आपको बता दूं कि और बात सुनने में क्या, ये बहुत 80% सही है और हम लोग घूम रहे हैं और लोगों को देख भी रहे हैं और उनका कहना भी हम लोग सुन रहे हैं। तो इस बार के जो यहाँ के वोटर हैं, वोट करने से पहले क्या यही सब सोच विचार, यही सब मुद्दा सोच विचार तो कर रहे हैं। और 15 साल विशेष 5 साल का लड़ाई है ये सिल्ली विधानसभा में, 15 साल और 5 साल ये लोग ठान चुके हैं। लोग सभी को देख रहे हैं कि 15 साल में क्या हुआ था और 5 साल में क्या हुआ, ये लोग उस पर एक्टिव हो चुके हैं कि भाई हमने 5 साल किसी को मौका दिया, किसी भी प्रतिनिधि को, तो वो कितना एक्टिव था और कितना एक्टिव है, और 15 साल में हमने क्या पाया, क्या खोया, वो सभी चीज़ है इसमें जो इस बार वोट में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अभी यहाँ पर मतदान होने वाले हैं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, 12 दिसंबर ये मतदान का दिन है, और तब तक हम लोग और भी लोगों से सीधे आपको रूबरू कराएंगे, यहाँ के ग्रामीणों से उनका क्या मिजाज है, वो किस तरह का जनप्रतिनिधि यहाँ पर सुनते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, तो उसके बाद आपका ये जो विश्लेषण है हम लोग का एक चुनावी सफर के दौरान जो हम लोग विश्लेषण किए हैं कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा ताकि इससे बेहतर जानकारी हम आपको दे सकें।